हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के ओसपुर गांव में चौहान समाज के लगभग 15 गांव के लोगों ने एक पंचायत की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में लक्सर विधायक संजय गुप्ता और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लक्सर गांव में एक शिक्षक ओम सिंह बीते 3 सितंबर को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग एक माह बीत जाने के बाद लक्सर पुलिस के हाथ खाली हैं। गुस्साए चौहान समाज के लोगों ने गांव में एक पंचायत आयोजित की, जिसमें लगभग आसपास के 15 गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लक्सर विधायक और खानपुर विधायक पंचायत में पहुंचे। इस दौरान चौहान समाज के लोगों ने कहा कि लक्सर पुलिस बिक चुकी है और मामले का खुलासा नहीं कर रही है। वहीं दोनों विधायकों ने पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री के सामने पर्दा उठाने और उक्त हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने का आश्वासन समाज के लोगों को दिया। नवभारत समाचार लक्सर उत्तराखंड से फिरोज अहमद। मुख्यमंत्री से जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक है प्रणव जी हैं, चैंपियन साहब है, आदेश चौहान है, सारा हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करेंगे और ये कहेंगे कि साहब इनसे जांच हटाओ, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। आपने हाल ही में अपने वक्तव्य में तरुण के अरुण का दोनों का ही 20-25 साल पुराना संबंध था, स्कूल में दोनों की साझेदारी थी और उन्हीं के पास में ही वो खाना खा के शाम को चले हैं तरुण के पास से, और जैसे ही वो तरुण के पास से खाना खा के चले हैं उसके 5-7 मिनट के बाद में ही उसको गोली मार दी गई। तरुण उस समय वहीं पर अपने कैमरे के सामने ही बैठा रहा ये सिद्ध करने को कि साहब मैं तो वहाँ पे था स्कूल में, अपने मैं वहाँ पे था। और फिर जो 20-25 साल पुराना संबंध हो और वो उसके ना मर्डर पे जावे, ना पोस्टमार्टम पे जावे, ना क्रियाक्रम पे जावे, ना उसके उसके जो है तेहरवी में जावे, उसके ना जाने से संदेह, हम लोगों को ये संदेह है कि उसका निश्चित रूप से उसका हाथ है। हाल ही में आपने पुलिस बिकी हुई है, ठीक है ना, उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है क्योंकि पैसा मामले के लेन देन का है, तरुण के और ओम सिंह के पैसे के लेन देन का मामला है और वो जो है वो कुछ भी करा सकते हैं, पैसे के बल पे जो है वो कर दे है, हमें कोई उम्मीद नहीं इन लोगों से जो है, पुलिस से जो है। हमारे बीच में से हमारा एक बच्चा इस तरह मार दिया जाए, कच्चा परिवार बेचारे का, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा, कैसे पेट काट के उसने स्कूल कॉलेज बनाए थे अपने, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक्की सुनी जा रही है। और जब पुलिस ने इसमें 1.25 महीने में कुछ नहीं किया, हम विधायकगण कल माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिलेंगे और हमारा घोर प्रयास रहेगा कि इसमें सीबीसीआईडी की इंक्वायरी कराएं, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को, पूरे चौहान समाज को इंसाफ मिल सके। ये पूरे चौहान समाज की और पूरे समाज की लड़ाई है, खाली चौहान समाज ही इसमें नहीं, इसमें हर बिरादरी की लड़ाई है, 36 कौम का ये संघर्ष बन चुका है। दुखद घटना है, 1.25 महीने होने के पश्चात भी आज तक ये केस नहीं खुला। पुलिस जो है इसमें बहुत लापरवाही से काम कर रही है, लापरवाही से पुलिस काम कर रही है। अब तक केस खुल जाना चाहिए था। पूरे क्षेत्र की जनता मास्टर ओम सिंह चौहान जी के इस दुखद घटना से परेशान है और ये बहुत घृणित कार्य हुआ है। वो दिव्यांग थे और क्षेत्र के सभी लोगों का ये कहना है कि उनके कहाँ संबंध थे और क्या क्या चर्चाएं हुई, पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कड़ाई से इस केस को खोलना चाहिए। चाहे कोई भी दोषी कोई भी हो, उसे शिक्षों के अंदर होना चाहिए।